सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। हमें जीवन में भले ही हार का सामना करना पड़ जाए पर जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक नोट की जरूरत है। अगर उंगली में लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। आज का पंचांग 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। तुला राशि 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार, आज स्वयं को भौतिक चीजों के मुंह में फंसा हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़ें। बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है, सहज बने रहें। जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं, इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिक खोज के लिए खुद को ध्यानमग्न कर सकते हैं। यात्रा करने या कुछ नया पढ़ने के अवसर को ना गंवाएं। कानूनी मामले आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही सौभाग्य आपके साथ होगा। असंभव शब्द में ही संभव है, इसीलिए अगर आप कहीं फंस भी जाएं तो अपना हौसला ना छोड़ें। अपने मन की घटनाओं को व्यवस्थित करने और निर्णय लेने के लिए समय निकालें। संकट का योग है, इसीलिए किसी शुभ कार्य को स्थगित कर दें। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसके लिए मन दुश्मन की तरह काम करता है। किसी संबंधी के माध्यम से या फोन से कोई खास सूचना मिलेगी। मानसिक रूप से बहुत अधिक सुकून मिलेगा। समझदारी से किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खुद के विचारों की वजह से बातें जटिल हो सकती है। लोगों के साथ किया गया व्यवहार आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पैसों से संबंधित बड़ी तकलीफ हो सकती है, जिसे दूर करने में वक्त लगेगा। परिस्थिति का सामना डटकर करें। लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत करें। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत चर्चा ना करें। रिलेशनशिप में सुधार करने के लिए केवल पार्टनर के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है, इस बात को समझना होगा। कंधे में जकड़न भी हो सकती है। उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से भी आपको शांति मिलेगी और आप फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। नकारात्मक गतिविधियों और अवैध गतिविधियों से दूर रहें। समाज में मानहानि की स्थिति बन सकती है। विचारों को सकारात्मक कार्यों में बदलें। व्यवसाय के स्थान में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए समय ठीक नहीं है। आज कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से कार्यों को व्यवस्थित करते रहेंगे। धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। पारिवारिक मामलों को लेकर करीबी रिश्तेदारों के बीच तनाव हो सकता है। किसी भी नए निवेश को फिलहाल टाल दें। नकारात्मक वित्तीय स्थिति रह सकती है। व्यावसायिक गतिविधि में कोई भ्रम होने पर परिवार और सदस्यों से सलाह लें। पारिवारिक वातावरण सुखमय हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज ग्रहों की स्थिति काफी संतोषजनक भी रहेगी। यह काम शांतिपूर्ण संपन्न होगा। जो चंद लोग आपके खिलाफ थे आज उनके खिलाफ आपकी बेगुनिया ही साबित हो सकती है। बहुत अधिक खर्च करने और उधार लेने से बचें। व्यवसायिक गतिविधियां कुछ मंद रह सकती है। पति पत्नी के बीच भावनात्मक बंधन और गहरा होगा। सावधानियां, अति व्यस्तता की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस वजह से शिक्षा में बाधा हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की।
वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव का असर परिवार पर पड़ सकता है, इसीलिए आवश्यक है कि कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करें। आज आप मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नज़र के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटें और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। अपने प्यार को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए प्रयास करें। साथी के साथ लघु यात्रा या कैंडल लाइट डिनर आपको नजदीक ले आए साथी के साथ लघु यात्रा या कैंडल लाइट डिनर आपको नजदीक ले आएंगे। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आज का समय बढ़िया है। शांत रहें और अपने दिल पर विश्वास रखें। अपने उसे घिसे पिटे रूटीन को छोड़कर कुछ अलग करें। आज आप अपने प्यार भरे जीवन को स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे और अपने पार्टनर को अपनी प्यार का एहसास दिलाएंगे। बात करते हैं करियर की। यह दिन आपके लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है, जहां आपके करियर में बदलाव आपकी सोच को तरक्की के लिए बदल देगा। धन के लेन देन में देर या आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आज कोई भी निर्णय ना लें। आज लोग आपके कार्य की भी आलोचना करेंगे, इसीलिए सावधान रहें। अगर कोई समस्या आपको असंभव लग रही है तो याद रखें कि इसको हल करने का तरीका अभी आपके दिमाग में नहीं आया है। आज वर्कलोड बढ़ने से आपको दिन उदासीन और निराशाजनक लग सकता है। अपने दिमाग में घटनाओं को व्यवस्थित करें, परिणामों के बारे में सोचें, फिर निर्णय लें। हमेशा अपने दिल की सुनें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले कर्म के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपनी कार्यालय में अग्रिम स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावना लेकर आएगा, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कार्य की गति बनी रहेगी। जलन की भावना से कुछ लोग आपका अहित कर सकते हैं। ऑफिशियल मामलों में बाहरी लोगों की सलाह पर अमल ना करें। बात करते हैं सेहत की। अत्यधिक काम की वजह से पैरों में सूजन हो सकता है, बेहतर होगा कि समय समय पर आराम करते रहें। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन बात करते हैं सेहत की। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप लंबे समय से इंतजार कर रही हैं, आज पूरी हो सकती है। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।